बॉलीवुड के लुकिंग स्टार कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 2 जो कि बॉक्स ऑफिस को फाड़ रही है। जी हाँ दोस्तों, भूल भुलैया 2 फिल्म ने अपने पहले दिन तो शानदार कमाई करी है, लेकिन इस फिल्म ने दूसरे और तीसरे दिन तो बहुत ही अच्छी कमाई करी है। मतलब कि ताबड़तोड़ सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं इस फिल्म ने दूसरे और तीसरे दिन तो। जी हाँ दोस्तों, सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भूल भुलैया 2 फिल्म के शुरुआती 3 दिनों के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देख ना। अगर आप लोग कार्तिक आर्यन के डाई हार्ड फैन है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बॉलीवुड पिछले कई दिनों से बहुत ही ज़्यादा खतरे में था, क्योंकि साउथ वाले बॉलीवुड पर राज करने वाले थे। लेकिन दोस्तों कार्तिक आर्यन भूल भुलैया 2 फिल्म को लेकर आया और बॉलीवुड को फिर से वापस कर दिया। अब सभी लोग बॉलीवुड को थोड़ा अच्छा समझने लगे, क्योंकि बॉलीवुड में एक ऐसी फिल्म आ गई जिससे लोगों को बॉलीवुड पर उम्मीद हो चुकी कि बॉलीवुड के आने वाले समय में भी ऐसी फिल्में रिलीज होंगी। बात करें फिल्म के कलेक्शन के बारे में, तो फिल्म ने अपने पहले दिन इंडिया नेट कलेक्शन किया है 14 करोड़ 11 लाख। वहीं पर इस फिल्म ने पहले दिन इंडिया ग्रोस कलेक्शन किया है 16 करोड़ 60 लाख और इस फिल्म ने पहले दिन ओवरसीज मार्केट से 4 करोड़ की कमाई करी थी। सो इसी के साथ इस फिल्म ने अपने पहले दिन वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन किया है 20 करोड़ 60 लाख। वहीं पर अब हम बात कर लेते हैं सेकंड डे कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों हमें इस फिल्म से उम्मीद थी कि ये फिल्म अपनी सेकंड डे 17 करोड़ की कमाई कर सकती है, लेकिन दोस्तों इस फिल्म ने 17 करोड़ से भी ज़्यादा कमाए हैं सेकंड डे। जी हाँ दोस्तों, भूल भुलैया 2 फिल्म ने सेकंड डे इंडिया नेट कलेक्शन किया है 19 करोड़ 25 लाख, जो कि बहुत ही शानदार कलेक्शन है। और इस फिल्म ने सेकंड डे इंडिया ग्रोस कलेक्शन किया है 22 करोड़ 50 लाख और इस फिल्म ने सेकंड डे ओवरसीज मार्केट से 4 करोड़ 50 लाख की कमाई करी है। सो इसी के साथ इस फिल्म ने सेकंड डे वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन किया था 27 करोड़। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड डे कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों आज रविवार है यानी कि संडे, और आज थर्ड डे भी है। तो ये फिल्म आज इतनी ताबड़तोड़ कमाई कर रही है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। जी हाँ दोस्तों, भूल भुलैया 2 फिल्म अपने तीसरे दिन इंडिया नेट कलेक्शन कर रही है 25 करोड़, जो कि बड़ी फिल्में नहीं कर सकती, लेकिन ये फिल्म कर रही है। जी हाँ दोस्तों, 25 करोड़, आप लोग सोचिए कि कितने ज़्यादा कमा रही है। वहीं पर ये फिल्म तीसरे दिन इंडिया ग्रोस कलेक्शन कर रही है 28 करोड़ 50 लाख और ओवरसीज मार्केट से 5 करोड़ की कमाई कर रही है। सो इसी के साथ ये फिल्म तीसरे दिन वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन 33 करोड़ 50 लाख कर रही है। अब हम बात कर लेते हैं फिल्म के टोटल कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों भूल भुलैया फिल्म का शुरुआती 3 दिनों का टोटल इंडिया नेट कलेक्शन हो चुका है 58 करोड़ के आसपास। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म ने शुरुआती 3 दिनों में इंडिया नेट कलेक्शन 58 करोड़ कर लिया है, यानी कि फर्स्ट वीकेंड में भूल भुलैया 2 फिल्म ने इंडिया नेट कलेक्शन 58 करोड़ कर लिया है और इस फिल्म ने शुरुआती 3 दिनों में टोटल इंडिया ग्रोस कलेक्शन कर लिया है 67 करोड़ 60 लाख यानी कि 67 करोड़ 60 लाख और इस फिल्म ने शुरुआती 3 दिनों में टोटल ओवरसीज मार्केट से ग्रोस कलेक्शन किया है 13 करोड़ 50 लाख। सो इसी के साथ भूल भुलैया 2 फिल्म का टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन हो चुका है 81 करोड़ से भी ज़्यादा। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म ने 80 करोड़ से ज़्यादा कमाई कर ली है सिर्फ 3 ही दिनों में। मतलब कि इस फिल्म ने बहुत ही ज़्यादा कमाई करी है। अब हम बात करें फिल्म के बजट के बारे में। तो दोस्तों इस फिल्म को 80 करोड़ के बजट पर बनाया है और इस फिल्म ने सिर्फ 3 ही दिनों में 80 करोड़ की कमाई कर ली है, यानी कि ये फिल्म ब्लॉकबस्टर की ओर बढ़ रही है। हालांकि दोस्तों आप लोग कमेंट कर बताना कि इस फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन कितने करोड़ रहने वाला है।